दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर मनुष्य हर व्यक्ति चाहता है कि वह ऐसा क्या करे कि लोग उसे सुने, उसे पसंद करें और उसे प्यार करें, और इसके लिए वो निरंतर प्रयास भी करता है। लेकिन आज के इस जमाने में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो लोग आपको भी लाइक करने लगेंगे, आपको भी पसंद करने लगेंगे। पहला है, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की आलोचना मत कीजिए। दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां बड़ी सफाई से लोग झूठ बोलते हैं, अपनी गलती होने के बावजूद भी उसे स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों को जब आप उनकी गलती का एहसास कराते हैं, अगर उनको गलत ठहराते हैं तो वो आपको ही गलत बताने लगता है, वो आपके ऊपर ही आरोप लगाने लगते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, आदमी अपनी गलती, अपनी फॉल्ट को एडमिट नहीं करता है, उसे आसानी से स्वीकार नहीं करता है। जब आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जब लोगों की आलोचना करते हैं तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, वो आपसे दूर होने लगते हैं, साथ ही वो आपको अपना दुश्मन समझने लगता है। इसलिए आपको लोगों की क्रिटिसाइज करने से, उनकी आलोचना करने से या उनकी बुराई करने से बचना चाहिए। दूसरा है, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन, लोगों की सच्ची तारीफ करें। दोस्तों, सुबह सुबह जब कोई आपकी प्रशंसा करता है, कोई जब तारीफ करता है और बोलता है कि आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो एक खुशी की झलक आपके चेहरे पर दिखने लगती है, आपका मूड अच्छा हो जाता है और आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई किसी की तारीफ करना ही नहीं चाहता है। ऐसे में अगर आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। इस दुनिया का हर इंसान, हर प्राणी अपनी प्रशंसा का, अपनी तारीफ का भूखा होता है। प्रशंसा, तारीफ, एप्रिसिएशन एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। किसी को क्रिटिसाइज करने से वो किसी भी कार्य में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग शायद ही कर पाता है। लेकिन अगर आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो वो किसी भी काम में अपना बेस्ट देने का हर संभव प्रयास करता है। इसलिए हमेशा लोगों की सच्ची तारीफें करें। तीसरा है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन, लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, अगर आप इंटरेस्टिंग पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको भी दूसरे लोग में जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनना पड़ेगा। आप उनसे सवाल कीजिए, उन्हें कंफर्टेबल फील कराइए, उन्हें इनकरेज कीजिए ताकि वो अपने बारे में खुलकर बात कर सकें, उनको सुने, उनके बारे में जानने का प्रयास करें, उनके बारे में जानने में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़े आसानी से वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं और फिर वो आपको पसंद करने लगते हैं। चौथा है, स्माइल। दोस्तों, सुबह सुबह जब आप घर से निकलते हैं और सामने से अगर कोई बंदा आपको मिलता है और अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, अगर वो स्माइल करता है तो अनायास ही आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट, एक स्माइल आ जाती है और आपका मूड अच्छा हो जाता है। इसी तरह अगर आप सामने वाले से मुस्कुराकर मिलते हैं तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ ही जाती है। दूसरी तरफ जब आप अपने चेहरे पर सीरियस सा, उदास और बोरिंग फेस के साथ जब आप बाहर निकलते हैं तो सामने वाला बंदा आपसे मिलना नहीं चाहेगा, वो आपको इग्नोर कर देगा और हो सकता है आपके ऐसा मनहूस चेहरे को देखकर वो अपना रास्ता भी बदल लेगा। इसलिए आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च भी यही बताते हैं कि जो लोग स्माइल करते हैं लोग भी उन्हीं से बात करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को उदास और सीरियस रहने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाँचवा है, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। ये सच है कि ज़्यादातर लोग अपनी गलती जानते हुए भी उसे एडमिट नहीं करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका अहंकार, उनकी ईगो उन्हें ऐसा करने से रोकती है। लेकिन आप याद रखें कि अपनी गलती मानने से या माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इससे पहले कि सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा करे, चिल्लाए या नाराज हो, आप खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं कि आपसे गलती हुई है और इसके लिए क्षमा मांगते हैं, तो सामने वाला तुरंत नॉर्मल हो जाता है और इंसानियत दिखाते हुए आपके ऊपर दयालु हो जाता है। इसलिए आगे से जब भी कभी आपसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें।